क्या हो गया है? फोन क्यों नहीं उठा रही है? हेलो अम्मी, सलाम वालेकुम। आप फोन क्यों नहीं उठा रही थी भाई? सारा को लेने गए थे, फोन घर पे रह गया था। क्या? सारा घर आ रही है वापस? हाँ। कौन कौन लेने गया था उसे? हम सब। फरवा भी गई थी क्या? हाँ। अच्छा, वैसे तो फरवा उसकी बहुत बुराई करती है, अब कैसे उसकी दोस्त बन के लेने चली गई उसे? जब अल्लाह हिदायत बेटा, फरवा ने तो मेरे कदमों पे गिर के माफी मांगी और अब वो सारा से, खुबात से, सबसे बार बार माफी। ड्रामे करती अम्मी, ड्रामे। नहीं, गलत बात, हम क्यों किसी की नियत पे शक? अम्मी बात नियत की नहीं, फितरत। अब फरवा की फितरत कभी नहीं बदल सकती, मैं आपको बता रही हूँ, वो किसी वक्त भी डंग मार देगी। बेटा खुदा की, अब तुम भी यूं नफरत फैलाना बंद करो। हो सकता है अल्लाह ने उसे हिदायत दी। अल्लाह गुमराहों को भी तो हिदायत देता है ना। ये वक्त ही बताएगा कि उसे कितनी हिदायत मिली अम्मी। अच्छा, ऐसी बातें करके मेरा दिल मत खफा करो। मुझे तो इतना सुकून हुआ है, खुशी हुई है कि सारा घर आई है। जब से वो घर आई है तो बहुत बहार आ गई है ना, रौनक आ गई होगी ना अम्मी, घर में बहुत चैन हो गया होगा, है ना? अच्छा बस करो, फोन क्यों किया था? हिना की वजह से फोन किया है। सऊद को बोले कि इसे यहाँ से आके देखे जाए, इसे देख देख के ना मेरा खून खौलता है, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। हौसला करो बेटा, कोशिश कर रही हूँ ना मैं। अब तुम भी अपने जज्बात पे काबू रखो, हाँ थोड़ा सा सब्र लाओ, बेसब्री हो और जिद्दी हो पता नहीं किस पे गई। उस लड़की का क्या करूंगी मैं? किसके बारे में बात हो रही है? किसी के नहीं, बैठो। अब आप खुश है ना? सारा भाभी वापस आ गई, प्लीज अब उनके बारे में कुछ गलत मत सोचिएगा। अच्छी तरह जानती हूँ, मुझे मत बताओ। हाँ जानता हूँ, आप खुद बहुत समझदार हैं। तुम मुझे बताओ, हिना को कब वापस ला रहे हो? मैंने आपको बताया तुम्हें। तुम्हारी जिद बहुत कड़ी बेटा, इंसान के अंदर मनफी बातें एक दो रोज में नहीं खत्म होती, उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाता है। दिल की इसलाह कोई मामूली बात नहीं है, बरसों की बिगड़ी हुई आदतें इतनी जल्दी कहां खत्म होती है। तुम्हें अपने दिल को नरम करना होगा। चलो देखते हैं, मैडम पर इतनी हरकतें तो ठीक कर लें, ले आऊंगा। मुझे मैडम की हरकतें जरा बेहतर ही लग रही हैं, उसमें तब्दीली तो आई है। क्या मतलब? तुमने देखा नहीं कैसे वो खुद ही जाके चाय ले आई, वरना वो किसी को खातिर में नहीं जाती थी। हाँ चेंज तो मुझे भी नजर आ रहे, चलें थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। इतना ज्यादा इंतजार मत करो कि मामलात और बिगड़ जाएं। क्या मतलब? मारिया बहुत गुस्से में है और वो अपने जेवरात का गुस्सा हिना पे निकाल रही है। तुम जल्दी से फैसला कर लो ताकि ये मामला हल हो जाए, प्लीज।